अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ केक। तो आज मैं जो केक बनाऊंगी वो बगैर ओवन के होगा। तो देखें किस तरह से केक बनता है। केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें लिया है मैंने 1.5 कप मैदा। मैदा मैंने ये नॉर्मल कप में डाल के लिया है जो आम यूज़ होता है। और ये भी 1 कप चीनी ली है, इसे ग्राइंड कर ली है। हमें कोको पाउडर चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, ब्लू बैंड चाहिए, या आप घर में बना हुआ भी मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑयल भी आप डाल सकते हैं। और 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और वनीला एसेंस के चंद कतरे हम डालेंगे। तो चलें केक बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैंने प्लेट रखी है, स्टीम प्लेट। और स्टीम प्लेट के नीचे मैंने ना रेत डाली है ना ही नमक डाला है, कोई चीज़ नहीं है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ऐसे ही तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये प्री हीट हो जाए। इसको ढक्कन दे दें। मैदा, बेकिंग पाउडर और चीनी को आप छान लें, तीनों को एक साथ छानें तो केक अच्छा बनेगा। अब आप एक बाउल ले लें और उसमें 2 अंडे डालें। और साथ में ये बटर डालें, मैंने ये मेल्ट कर लिए, आप ऑयल भी ले सकते हैं। आपने इसको इतना बीट करना है कि अंडे की जो है वो झाग ऊपर आ जाए। अब हम मैदे में शामिल करेंगे अंडा और बटर जो हमने मिक्स किया था। ये देखें, अब इस तरह का इसका मिक्सचर बन गया। थोड़ा सा ये ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे ताकि इसकी जो थोड़ी सी थिकनेस है वो ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट लुक में आ जाए। इसे मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से इसका मिक्सचर बन चुका है इस तरह से, ये देखें। अब मैं इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे डालूंगी, ये ऑप्शनल हैं। मिक्स करेंगे। अच्छा जी, आप एक सांचा ले लें जिसमें आपने केक का मिक्सचर डालना है। उसमें मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया नीचे, या आप आटा भी लगा सकते हैं और मैदा भी लगा सकते हैं। पर रखेंगे हम बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी आप जो है कॉपी का पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर ऑयल को ग्रीस कर देंगे पेपर के ऊपर। ऑयल हमने पेपर के ऊपर लगा लिया है। अब इसके अंदर हम मिक्सचर डालेंगे। अच्छा जी, मिक्सचर को हमने हाफ ऑफ कर दिया है और इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 चम्मच कोको पाउडर। इसे मिक्स करूंगी। अब हम जो है इसकी लेयर लगाएंगे जो कोको पाउडर के बगैर है। अब सारा जो है हम कोको पाउडर का मिक्सचर इसके ऊपर लेयर लगाएंगे इसकी। जो सिंपल वाला मिक्सचर था कोको पाउडर के बगैर वो इसमें डालूंगी। आप इसका इसके ऊपर डाल के कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, इससे केक की जो लुक है वो अच्छी आएगी। और इसे 5-7 मिनट के लिए अब रख देते हैं। प्री हीट हमारा हो चुका है, हमने पहले से प्रेशर कुकर को गर्म किया था। तो अब हम इसमें ये केक रखेंगे और इसे बंद कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए।
प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया है, आपने इसके ऊपर जो है विसल नहीं लगानी और इसे 20 मिनट के लिए रख देना है। अच्छा जी, तो केक हमारा बन चुका है, सॉफ्ट भी है, आपको मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी, डबल लेयर में बना है, ये देखें कितना सॉफ्ट है। आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।